वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। सुप्रीम कोर्ट के फंड जारी करने के हुक्म पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल हुकूमती कानूनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमू सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। अहम फैसलों का इम्कान। असल सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है। इख्तियारात का मरकज अवाम है। नए पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा आइन के तहत इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तायुन करें। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली के इन कैमरा इजलास में सवालात उठा दिए। पूछा, सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई? केपी को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इन चैम्बर समाप्त हुई। अदालत उज़्मा पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर बरहम। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक तरमीमी बिल भी मंजूर। ज़ाबिता फौजदारी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली ने डैम फंड्स की रकम कौमी खजाने में जमा कराने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर बरकरार रखने के लिए कानून साजी के खिलाफ है। पार्लियामेंट अपनी हदूद में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगी।